मुझे प्रमाण की आवश्यकता है, प्रमाण क्या है, वो बस वहाँ दिक्कत आ रही है, वो बातचीत से कुछ नहीं हो गया, हमें प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण कौन सा प्रमाण लेना, उन्हें कौन सा प्रमाण लेना है? कुछ भी लिखे, कुछ भी मैं दे दूंगा, कोई भी लिखित में प्रमाण दे देगा कि विकिपीडिया को मानने के भी तैयार नहीं है वो। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, आप क्यों उनकी बातों को मान रहे हो? आपको प्रमाण देने की जरूरत है, आप खुद मालवा से आते हो, मालवा में प्रमाण जो है वो राजपूत है ना। हाँ जी जी, असली नाम क्या है हमारा? क्षत्रिय है, राजपूत एक टाइटल है। राजपूत कोई नाम थोड़ी था, राजपूत उनको ये पूछना था अगर राजपूत नाम कहीं नहीं है तो हिंदी नाम कहाँ था 9th century से पहले? हिंदी तो जो बाहर से आक्रांतकारी आते थे उन्होंने हिंदू बोलना शुरू किया, पहले कहाँ था? पहले तो सनातन बोला जाता था, वही जो क्षत्रिय थे वो मतलब भी राजपूत कहलाए। और अनंत पास उम्र का उन्होंने, तो भाइयों सुबह सुबह एक भाई का फोन आता है और वो बताते हैं कि मैं मालवा क्षेत्र में रहने वाला हूँ और विक्रमादित्य परमार के वंशज जो पवार या परमार राजपूत हैं वो सभी राजपूत हैं, लेकिन कुछ किसान या कुछ लोगों द्वारा उनका इतिहास चुराया जा रहा है और उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है, और इसके अलावा अनंगवाल तोमर हो या फिर राजा पोरस को भी अपना बाप बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भाइयों हमने कितनी सारी वीडियो बनाई, तो मैंने उनको बस यही बोला कि जो चरवाहे थे वो आज क्षत्रिय बनना चाहते हैं। परमार, सोलंकी, परिहार, चौहान, कशवाहा, राठौड़, तोमर राजपूतों का इतिहास चुराना चाहते हैं। जो लोग क्षत्रिय या सामंत क्षेत्रों में जो लोग घोड़ों से उतरकर क्षत्रियों को घोड़ों से निकला करते थे 80 साल पहले तक, जिनको अनुमति नहीं थी घोड़ों पर बैठने की, सवारी की, वे लोग भी आजकल क्षत्रियों का इतिहास पूछ रहे हैं। पहले क्षत्रियों के सरनेम चुराते हैं, उसके बाद पूरे वंश को अपनी जाति बना लेते हैं, और फिर बाद हमें हमारा इतिहास पूछते हैं कि हम उनको प्रूफ दें कि हम क्या हैं। तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राजाओं के पुत्र ही राजपूत हुए हैं। महाभारत में भी राजपुत्र शब्द का उल्लेख है, हर जगह महाभारत हो जहाँ रामायण, हर जगह राजपुत्र कहा गया है क्षत्रियों को। पहले हिंदी शब्द नहीं था, हिंदी शब्द कब आया? 9th century में। उसी तरह जो क्षत्रिय राजपुत्र होते थे, राजपुत्र संस्कृत में, हिंदी में बना राजपूत। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लोग ये वीडियो शेयर नहीं करेंगे। और जब कुछ लोग इतिहास चुराते हैं तो उनको जवाब देना आता ही नहीं कि राजपूत कहाँ थे, राजपूतों की रियासत कहाँ थी। विक्रमादित्य परमार की बात करते हैं तो हिमाचल के जो हिमाचल का निर्माण करने वाले थे, पहले मुख्यमंत्री थे जसवर्धन सिंह परमार, वो राजपूत थे, परमार राजपूत थे। परमार राजपूतों की आज भी हिमाचल में दो रियासतें हैं, इसके अलावा मालवा या बाकी रीजन में परमार राजपूत हैं, हरियाणा में भी है परमार जो कि क्षत्रिय हैं, राजपुत्र हैं। तो इसके अलावा अनंगपाल तोमर का कुछ लोग पूछते हैं कि दिल्ली में अनंगपाल तोमर कहाँ है, तो दिल्ली के पास ही 84 गांव तोमर राजपूतों के 60-84 में है। इसके अलावा 10-12 गांव दिल्ली में भी हैं, इसके अलावा भिवानी में दिल्ली के पास ही, हरियाणा में 100 से ज़्यादा तवर राजपूतों के हैं, और बहुत सारों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था तो वो पाकिस्तान में बैठे हैं, आज भी अनंगपाल तोमर को अपना वंशज मानते हैं। तो राजा पोरस की बात करें तो राजा पोरस के ज़माने में त्रिकांडा किंगडम होता था, और त्रिकांडा किंगडम किसका था? कटोच राजपूतों का। तब तीन राजधानी होती थी, एक जलंधर, एक मुल्तान और एक कांगड़ा। मुल्तान में आज भी आप जाओगे तो वहाँ मुल्तान को जहाँ कटोचगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये तो पाकिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है ये चीज़ें। तो तीन राजधानी थी, लास्ट में जब अरब आक्रांतकारी हमले करते गए तो उसके बाद लास्ट राजधानी कांगड़ा में हुई, कांगड़ा में आज भी पूरी वंशावली पड़ी है। तो हमें प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है? कोई भी आके कर्नल टोर्स जेम्स हो या कोई भी कुछ भी क्षत्रियों के खिलाफ गलत गलत बोल देगा तो क्या हम उस चीज़ को मान लेंगे? प्रूफ चाहिए होते हैं। तो भाइयों हमारी पिछली कितनी हिस्ट्री की वीडियो, हमने हज़ारों वीडियो बनाई हैं, आप सभी देखा करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि कैसे पहले क्षत्रिय समाज के जो वंश होता है, जो क्षत्रियों के घरों में, क्षत्रियों के इलाकों में रहते थे, वो भी क्षत्रियों का टाइटल यूज करने लगे और बाद में वही लोग क्षत्रियों का इतिहास पूछते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।